फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही इजी पनीर रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही इजी है, बिना झंझट का बन जाता है। तो यहाँ मैंने दो बड़े साइज़ का प्याज ले ली हूँ, इसको मैं कुकर में सब डाल रही हूँ। ये दो बड़े साइज़ का प्याज, और प्याज से थोड़ा ज़्यादा टमाटर लेंगे। दो बड़ा प्याज, मैंने तीन टमाटर, बड़े टमाटर ले लिए हैं, और इधर 6-7 काजू ले लिया है, और ये आधा इंच का जिंजर, और ये 4 लहसुन की कलियां ले ली हूँ, और इधर मैं 1 तेज पत्ता डाल दी हूँ, और थोड़ा ये 4 मगज है, छोटा एक स्पून डालिए, और अगर 4 मगज नहीं है तो आप पोस्ता दाना भी डाल सकते हैं, पॉपी सीड्स इसके बदले। और ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और ये 2 छोटी इलायची, बड़ी इलायची है तो वो भी डाल सकते हैं, और ये थोड़ा सा मैं पेपर पाउडर डाल रही हूँ, और स्वाद अनुसार नमक, और 1 टेबलस्पून बटर। मैं ये न्यूट्रलाइट का बटर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग को जैसा बटर यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। और इसको मैं 1 कप पानी और 1 कप दूध डाल रही हूँ, और इसको मैं प्रेशर में डाल लूँगी, प्रेशर कुक करूँगी हाई फ्लेम में 1 सीटी लगने तक ये कुक करके, फिर लो फ्लेम में 15 मिनट मैं ऐसे ही रख दूँगी। पहले हाई फ्लेम में 1 विसल मार के फिर आप गैस को लो कर दे एकदम, और 15 मिनट ऐसे ही चढ़ा के रखिए। तो मैं अभी इसको प्रेशर कुक करूँगी। फ्रेंड्स, ये कुकर मेरा ठंडा हो गया है, अब मैं इसको पीस लूँगी, ये भी ठंडा हो गया है। तो ये हम लोग एकदम बारीक पेस्ट करेंगे, तो ये तेज पत्ता निकाल के हम पेस्ट करेंगे। चलिए हम पेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून ऑयल गरम कर दिया है, और इसमें मैं 1 टीस्पून ऐसा ये कश्मीरी चिल्ली पाउडर है, और थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल फ्राई करके मैं ये पनीर का पीसेस दे रही हूँ, थोड़ा सा ये ऑयल में हिला लेंगे, थोड़ा सा ऑयल में ये चला लेंगे, ये मसाला पूरा मिक्स हो जाएगा पनीर से। उसके बाद मैं ये जो मिक्सी में ये पीस ली हूँ, जो हम लोगों ने प्रेशर कुकर में डाला था सारे मसाले, ऐसा एकदम बारीक करके इसमें अब हम डाल देंगे, और ये हम लोग 1-2 मिनट तक हाई फ्लेम में थोड़ा मिक्स कर लेंगे। ये 1 मिनट मैंने मिक्स कर लिया है पनीर के साथ सारे मसाले। मैं इसमें थोड़ा हनी डाल रही हूँ, थोड़ा सा स्वीटनेस के लिए। हनी नहीं है तो आप आधा टीस्पून शक्कर भी डाल सकते हैं। मैं 1 बड़ी चम्मच हनी डाली हूँ, और इसको हम अभी लो फ्लेम में 10 मिनट तक पका लेंगे। इसमें कुछ बार बार चलाना भी नहीं पड़ता है, कुछ फ्राई करने का भी ज़रूरत नहीं है, बस सारे मसाले हमारे पके हुए हैं, बस 10 मिनट तक हम ये ढक के पकाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने ये 15 मिनट्स ढक के पका लिया है, और ग्रेवी मेरा बिल्कुल बराबर है। अगर आपको और थोड़ा पतला ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा और दूध डाल दीजिएगा। तो मेरे को ये रोटी के साथ खाना है, तो मैं हनी ग्रेवी रखी हूँ, और मैंने थोड़ा सा वो मिक्सी को धो के थोड़ा पानी डाल दिया था, और इसमें अभी मैं चुटकी भर गरम मसाला डाल रही हूँ, और थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल रही हूँ। बस मेरा ये पनीर रेडी है। तो ये मैं ऐसा, अभी गर्मी है इतना कि हम लोग को किचन में ज़्यादा टाइम रहने को मन नहीं होता है, तो इसीलिए मैं आपको मैंने ये बनाई, जल्दी हो जाएगा और ज़्यादा चलाना भी नहीं पड़ता है, कुछ फ्राई भी नहीं करना पड़ता है। तो
आप ऐसे ही ट्राई कीजिए, बहुत यम्मी होता है। मेरा ये पनीर रेसिपी रेडी है, मैं ऊपर से थोड़ा कोरिएंडर चॉप करके गार्निश कर दूँगी।